सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, ये आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। आंख नीचे लो, मन को मार दो, पार्टी डाल दो। नमस्कार, आज हम बात करेंगे आलस्य। आलस्य एक सबसे बड़ी बीमारी। आलस्य एक शारीरिक नहीं, हमारे मन की बीमारी है। इस आलस्य को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना हमारे आलस्य को खत्म कर देगा। अब जल्दी उठने में भी आलस है, 4 या 5 बजे उठने का जो रीजन है, अगर आपने वो रीजन ढूंढ लिया और रीजन एकदम सॉलिड रीजन है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका आलस्य यूं चुटकियों में भाग जाएगा। तो हमारा एक सटीक रीजन होना चाहिए कि व्हाई शुड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें जिस दिन ये रीजन मिल गया, उसके बाद में जैसे हम सुबह, चलो हमने अलार्म भी लगा दिया, सुबह 4 बजे का लगा दिया, जैसे उठते हैं उसके बाद देखते हैं अरे सर्दी लग रही है, अरे अभी आज कौन सा काम, उस समय हमारा दिमाग सीधा हमारे उस रीजन पे जाना चाहिए, उस रीजन पे कि हमारा वो रीजन क्या है। जैसे आप उठने की कोशिश करते हैं, हल्का सा चादर हटाने की कोशिश करते हैं, फिर वो जो ठंड है वो आपको नहीं उठने देगी, फिर उस आलस ने मारा। आलस कहां है? यहां हमारे मन में, हमारा मन उठने नहीं दे रहा है। एक काम कीजिए, आप अपने बिस्तर से कैसे भी करके मन मार के एक बार बिस्तर से हट जाइए और 2-3 बार एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा सा भाग लीजिए, वहीं पे थोड़ा सा उछल लीजिए। मैं कह रहा हूं ना, आपका शरीर एकदम, दिमाग आपका और आपका मन सब काम करने लग जाएगा अच्छे से। सुबह जल्दी उठ गए तो आधे से ज्यादा काम खत्म। पहला काम यही होना चाहिए हमारा, सुबह जल्दी उठना। चलो उठ गए, चाय भी पी लिया आपने, या दूध पी लिया, या कॉफी पी ली। अब जैसे या तो किताब खोलकर बैठते पढ़ने के लिए, अगर स्टूडेंट होगा तो किताब खोल के बैठेगा पढ़ने के लिए, या फिर जिसने भी कोई काम डिसाइड किया वो काम करने के लिए जाएगा। मैं कहता हूं उठने के बाद में दूसरा काम कर डालो, नहाने का, नहाने का काम कर डालो। 4 बज रही है तो 4 बजे ही नहा लो, जैसे उठे उठने के 5 से 10 मिनट बाद में नहा डालो। जैसे ही आपने नहाया, आपकी नस नस का आलस्य खत्म हो जाएगा, आपके अंदर डबल एनर्जी आ जाएगी। सच है ये, सच करके देखो। एक बार बिस्तर से हटो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो और बाल्टी भर के पानी डाल दो, पानी ठंडा लगे, आंख नीचे लो, मन को मार दो, बाल्टी डाल दो, आधा आलस खत्म, एनर्जी डबल। सबसे बड़ा शत्रु है हमारा ये आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। हम दूसरे को ठहराते, अरे यही है, ये मैं कुछ करने नहीं दे रहा, अगला एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें और आलस्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।